अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें कैसे कर लेती हो? क्या यही रस्सी पर चलना? संतुलन से, इस रस्सी पर चलने के लिए संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। संतुलन कैसे बनाते? तुम जाओ बेटा, ये लो। मैं बताती हूँ, कोई समझाए इससे ज्यादा असरदार ये होगा कि इन बातों को खुद ही आत्मसात करो। मतलब प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा किसी दूसरे से करने के बजाय खुद से ही सवाल पूछ लो। चलो एक काम करो, आंखें बंद कर लो और ये याद करने की कोशिश करो कि जब वो रस्सी पर चल रही थी तो कैसे चल पा रही थी। क्या समझ में आया? कहाँ समझ में आया अम्मा? तुम आंखें बंद करके क्या देख रहे थे? यही कि वो लड़की रस्सी पर चल रही थी और सब तालियां बजा रहे थे। हाँ, ये तो सही है। तुम्हें वो अर्जुन के मछली पर निशाना लगाने वाली कहानी याद है? माँ, मछली नहीं, मछली की आंख। अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। बस वैसे ही वही देखो जो देखना है, बाकी कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं। याद रखो, कुछ पाने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, बगैर ध्यानम। समझ रहे हो ना? मन को केंद्रित करना पड़ता है तो ही लक्ष्य दिखाई देता है। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, कर लो आंखें बंद। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे पगली, सब कुछ रेडी है ना? हाँ हाँ, सब रेडी। बा देखिए ना, यार भभूती जी के लिए वो लौकी का हलवा, उनका फेवरेट, वो रेडी? हाँ हाँ, वो भी बना दिए। जब तक भभूती जी के मुंह में पहला निवाला जाएगा तब तक हम जो है वो चाचा जी और भाभी जी के साथ थोड़ा व्यस्त रहेंगे, मतलब उन्हें उलझा के रखेंगे, क्योंकि अम्मा ने बताया ना वो टोटका कि किसी जरूरतमंद यानी भभूति जी को जो है वो पहला निवाला खिलाना है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। हेलो, आ गए। हेलो अनीता जी, प्रणाम करे चाचा। खुश रहो बहू, खुश रहो। हेलो अंगूरी जी। भभूति जी कहाँ है? वो आ रहा है, आ रहा है। हाँ। मेरी उससे बात हुई थी, वो ट्रैफिक में कहीं अटक गया है। कहाँ अटक गए? वो राम नारायण मार्केट में अटका हुआ है। हम भी तो वहीं से आ रहे हैं, वहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं, सब क्लियर है। अरे ट्रैफिक जाम होने में कितना टाइम लगता है, और खासकर कोई महिला अगर गाड़ी सीख रही हो तो। चलो कुछ खाते हैं।
कीजिए ना, सब मिल बैठ के खाएंगे। अब तिवारी जी, मुझे बहुत जरूर की भूख लगी है, हम लोग शुरू करते हैं, विभु आ जाएगा ना। भाभी जी, क्या है कि हमारे घर की परंपरा है कि जब सब मेहमान आ जाते हैं तो फिर मिल बैठ के खाते हैं सब। तिवारी जी, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने अक्सर आपको अकेले खाते हुए देखा है। हाँ, वो तो है। नहीं नहीं भाभी जी, क्या आप रिश्तेदारों के साथ हमेशा तो बैठ के खाया नहीं जा सकता, उससे तो हम नुकसान में आ जाएंगे और टोटका पूरा नहीं होगा। अबे तू ऐसा बोलना, ये परंपरा वरंपरा क्या बोल रहा है यार। अरे भाई, अब बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं उनकी बातों का पालन तो करना पड़ेगा ना। अरे यार, हमें तो भूख लगी है यार। तू हाथ झटक रहा, मार रहा है यार, क्या है तरीका ये? हम माफी चाहते हैं चाचा जी, क्या है कि ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम भभूति जी के साथ बैठ के सब खाएं। यार ये कचेड़ू, मतलब भभूति में ऐसा क्या खास है यार, उसके साथ खा लेंगे तो क्या तर जाएंगे हम? आप ना तरे, हम तो तर जाएंगे। तिवारी जी, एक बात बताऊं? जी कहिए भाभी जी। विभु नहीं आएगा। हो गई तसल्ली, बस भभूति जी का इंतजार करते हैं ना। अरे यार, जब कह रहा हूँ ना, वो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। लेकिन काहे नहीं आ रहे हैं, हम तो भभूति जी को हॉट भी नहीं किए। कुछ भी बोल, हॉट होता है ऐसे ही पकड़े हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। बेनी। अरे यार चुंगूलाल, रोना कितना, कब तक रोगे यार? रोना बंद करो, अब क्या कर सकते हैं, पियो यार, छोड़ो। कभी कैसे भी, अब हमारा मन शांत नहीं है बेनी, हालत खराब है हमारी। झूमलाल, यहाँ कहाँ है यार, अपना गम गलत करने ना, पियो और जियो, मतलब जस्ट चिल यार। कैसे कैसे ठंडू करें, तुम्हें पता रज्जू ने कैसी कैसी तीर छोड़ी से यार, हमारा दिल चलनी चलनी हो गया, ऐसी बातें सुनाई हमें कि हम। अब सुनो, जिस राजेश ने तुम्हारे को छलनी किया है तो वही तुम्हें मलहम भी लगाएगी, हम तुमको बता रहे हैं, थोड़ा वक्त तो थोड़ा। एक बात बता, झूठ ना बोलिए, तुमको भी लगता है कि लौंडला पाड़ियन को हमने बिगाड़ू, हमारी वजह से लौंडला पाड़ी बिगड़े, बता। देखो ऐसा है कि सच कहेंगे तो फिर बुरा मान जाओगे। या को मतलब तुम मानते हो कि लौंडा हमारी वजह से बिगड़ रहे, हम घर परिवार नहीं संभाल पा रहे, क्या करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी की बात आके तो मेरे पास थोड़ी देर आधा घंटा टिका लेते हैं, एक ठैया बच्चा हो तो नजर रखे, सारे नौ नौ ठैया है, कहाँ तक नजर रखे हैं हम अकेले, क्या करें? देखो चुंगुलाल, हम तुम गलत समझो, नहीं तो ऐसा नहीं है, तुम बहुत बहुत अच्छे पति हो, बहुत अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छे पिता हो, और बहुत अच्छे नहीं दोस्त भी हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सच में यही बात सही कह रहा हूँ। नहीं, तुम्हारे मन रखने के लिए कह रहे हैं। अरे जाको मतलब तुमको भी यही लगता है जो रज्जू कहती है सही कहती है, हमने बच्चन पे ध्यान ना दो, हमारी आदतें खराब हैं, हम सारे पीने खाने वाले आदमी हैं, हमने लौंडला पाड़ी ढंग से संभाल ना पाए बहनी, हम फेल हो गए। देखो यार, तुम बेकार में चीजों में पड़े हुए हो जाएगा, हम भी हुए थे, अब वो लोग हो रहे तो हमारे एज गैप, जनरेशन गैप कहते हैं इसको, लेकिन घर के संस्कार ऐसे, हम लोग भी एकदम डिरेल नहीं हुए, ये भी नहीं होंगे, हम आशा तो यही करते, तुम वैसे मत सोचो। लेकिन लौंडा तो जोश में होश खो रही ना बहनी, का है बेघर गो ना घर आओ, ऐसा कुछ नहीं होगा चुंगुलाल, हम बता रहे हैं समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, ध्यान देते ना, हम लोग ध्यान देंगे बिल्कुल। बस चुप हो जा बेनी। अरे तुम तू कछु नहीं समझेगो यार, तू जब बाप बनेगो ना तब हमारी सच में तकलीफ समझेगो, जब तक बाप नहीं बनेगो तब तक कुछ नहीं, जिंदगी भर को रोनो है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।